सेल्फ मोनिका एंड मैंने 2.5 साल पहले यहाँ GCF से कोर्स किया था डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट का। सो जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी लाइफ में कुछ एम, कुछ मतलब एक तरह की लाइफ जीने का कोई मकसद वो कुछ था ही नहीं लाइफ में। और लोगों से बात किस तरीके से की जाती है, कैसे हमें किसी होता है कि हम अपने घर में बोले थे लेकिन हमें किसी अननोन पर्सन को डील नहीं करना आता है, क्योंकि उन्हें अगर देखा जाए तो अगर हम चाहे बिजनेस करें चाहे जॉब करें उसमें सबसे मेनली चीज़ यही होती है कि आपको किसी को डील करना आना चाहिए। बट जॉब बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, हमें तो यही नहीं पता था कि हम अपनी लाइफ में करना क्या है। स्टिल जब मैं यहाँ आई तो काफ़ी कुछ सीखा। पहले तो मैंने यहाँ पे बोलना सीखा, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो मैं किसी से बात नहीं करती थी और जैसे एक तरीके से मेरे लिए बिल्कुल एक स्कूल की तरह था कि जैसे मैं पहले स्कूल में रहती थी उसी तरीके से था शुरू में। फिर धीरे धीरे चीज़ें इस तरीके से डेवलप हुई कि हमें बताया गया कि हम किस तरीके से, हमें पहले ये लगता था कि अगर कोई लिपस्टिक भी लगा रहती तो भाई वो मेकअप में आता है, बट नहीं, वो हमारी ग्रूमिंग में आता, वरना हम लोगों को रहना ही नहीं आता था। यहाँ आए, यहाँ देखा कि कैसे रहा जाता है, किस तरीके से बात की जाती है, और एक लड़की का एक्चुअल में मकसद क्या होता है वो मैंने यहाँ आके जाना और सीखा। वरना लड़कियों का क्या होता है कि उसको लड़की को यही सिखाया जाता है जब वो पैदा होती है कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें सिर्फ अपने घर तक ही रहना है, बाहर जाना है, 7 बजे घर से बाहर नहीं निकलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन जब यहाँ आए तो देखा कि हाँ भाई, हम लड़कियाँ बेशक हैं लेकिन ये नहीं है कि हम सिर्फ घर तक ही सीमित रहेंगे, हमारी जिंदगी का भी कुछ मकसद होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि भाई अगर हम लड़की हैं तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, कि हम लड़की हैं तो भाई इसमें हमारा कोई कसूर है, हमारा कोई कसूर नहीं है। इवन हम लड़कियां हैं तो हम भी कुछ कर सकती हैं, हम अपने दम पे जी सकते हैं, हम अपने दम पे खा पी सकते हैं, और हम चाहे तो हम अकेले बैचलर भी लाइफ जी सकते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और लोगों का मेंटेलिटी, समाज की मेंटेलिटी आज ये है कि एक लड़की पैदा हुई है तो वो शादी करने के लिए, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ कि ठीक है शादी करना ठीक है, बट आप उस चीज को लेकर किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप लड़की हो तो आप मैरिज ही करोगे, और वो जो हस्बैंड होगा वो कम आगे देगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये जो सारी चीजें आज मेरे माइंड में है वो सारी कहीं ना कहीं JCF से मैंने सीखी है कि किस तरीके से आज यहाँ पे जो महिलाएं पढ़ी लिखी भी नहीं थी उनको मैंने यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखा। तो मैंने मन में ये आया कि अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये बात कहूँ कि जो भी कुछ आज मेरी सोच है, जो मेरा आज माइंड सेट है, वो कहीं ना कहीं JCF की बदौलत है, और JCF के जो टीचर्स हैं उनके बदौलत है, उन्होंने काफ़ी कुछ हमें सिखाया और हमारा एक माइंड सेट किया, हमारा माइंड क्लियर किया कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आज ही की बात है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ JCF का बात का, तो मैंने यहाँ से 2 जगह जॉब भी किया है और एक अच्छे लेवल पे जॉब किया, ऑफिस कोऑर्डिनेटर थी मैं, वहाँ मैंने जॉब किया, और स्टिल अब मैं एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी में एज अ बिजनेस काम कर रही हूँ। तो फाइनली आज मेरी लाइफ पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज मैं 20,000 पर मंथ अर्न करती हूँ और इससे ज़्यादा भी कर लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ आज बहुत ज़्यादा चेंज है। तो स्टिल थैंक यू सो मच JCF, आई रियली थैंक यू।